But it's a very important topic for BSc first semester students and also those who are preparing for NEET. Today we have revised the class 1+1, and also I would like to give you different students, sporophyte, characterized, and alternation. Because you need it, and it's a short video, and maybe background sound will irritate you, but what I have written for you, my friend. So let's get started. Biophyta, BSc class 12 or NEET, the example NEET ke point wise revision ke liye sabse best topic hai aur hum ise bahut quick revise karenge. So sabse pehle hum aate hain is word pe, ye word kahan se liya gaya hai. Ye word liya gaya hai Greek Yunan. Kin do shabdon se mitra bana hai? Prion matlab hota hai moss, python यानी कि प्लांट. अब मॉस का सेंस क्या है? प्लांट का मतलब तो पौधे होता है. मॉस का मतलब क्या है? मॉस का मतलब होता है टाइल. इन दो शब्दों से मिलकर हमारा बना है टाइल फाइट. कवर फ्रॉम पॉइंट का शब्द ब्रायोफाइटा. रॉबर्ट ब्राउन साहब ने सबसे पहले 1864 में ब्रायोफाइटा शब्द दिया. ब्रायोफाइटा का अर्थ फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, प्रथम स्थलीय पौधे कहलाते हैं. दीजा का एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, पादप जगत के ये उभयचर कहलाते हैं. ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं. जॉन हेलविन इसका आज द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी. ब्रायोलॉजी के जो है ना पिता हैं वो हैं जॉन हेलविन. ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन ब्रायोफाइट्स आर प्लेस्ड बिटवीन हेलोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा और हेलोफाइटा के मध्य इनको स्थान दिया गया है. इन्हें ब्रायोफाइटा भारतीय बायोलॉजी के पिता कहलाते हैं. भारतीय